मैं हूं आपका अपना शेफ आमिर, आमिर आमिर फूड स्टोरीज वाला। आपके साथ आज एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं और इसमें मेरा अपना काम है। तकरीबन 1000 बंदे के लिए हमने मटन सीख कबाब बनाए। तो वीडियो तो कुछ दिन पहले से मैं बना चुका हूं, दिनों बाद आज डे ऑफ था तो बैठा इसको एडिट कर रहा हूं, तो सोचा आपके साथ चंद बातें भी कर लूं। बातें करने का मकसद ये है कि मैं बहुत ही नया हूं यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे आप जाओगे तो आपको फूड व्लॉगर्स की भरमार मिलेगी। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया, बड़े नाम, छोटे नाम, रेडी, टॉप एंड रेस्टोरेंट, हर जगह पे आपको फूड व्लॉगर्स मिलेंगे जो कि एक गोलगप्पे से लेके एक हाई एंड कैवियर तक का फूड रिव्यूज दे रहे होते हैं। तो आपके साथ मुझे अपना काम जो शेयर कर रहा हूँ उसकी एक ही रीजन है, और वो ये है कि आपको ये पता चले कि ये बंदा जो हमें फूड व्लॉग बना रहा है और दिखा रहा है और खाने के बारे में हमारे साथ बातचीत कर रहा है, इसका अपना नॉलेज, इसकी अपनी एक्सपर्टीज और इसकी अपनी वर्थ क्या है। तो सिर्फ वो बताने के लिए मैं आपके साथ ऑन एंड ऑफ अपना काम शेयर करता रहूंगा। काफी बड़ी जगह है जहाँ पे 1000 बंदे के लिए सीख कबाब बना रहे हैं मटन के, तो वहां पे हमें सर्व भी करना होता है, नियरली 2000 बंदे की जगह जहाँ पे काम है। तो ऑन एंड ऑफ आपके साथ अपना थोड़ा बहुत काम शेयर करता रहूंगा ताकि आपको पता चलता रहे कि आमिर फूड स्टोरीज में जो शेफ आमिर आपके साथ बात कर रहा होता है, एक 50 पैसे के समोसे से लेके एक 50 पाउंड की प्लेट तक, उसकी अपनी वर्थ क्या है, और वो एज अ फूड व्लॉगर, एज अ फूड क्रिटिक, वो खुद कहाँ पे स्टैंड करता है। तो आपसे बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है। बहुत सा काम ऐसा है यूट्यूब पे जिसको मैं देखता हूँ, मुझे खुशी होती है फूड व्लॉगर्स को देख के, और दिल से खुशी होती है, और कुछ फूड व्लॉगर्स ऐसे हैं जिनको देख के मेरी हंसी निकल जाती है। लेकिन ये एक खाने की दुनिया है, इसमें किसी के टेस्ट बर्ड्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते, किसी के रिव्यूज को चैलेंज नहीं कर सकते। हर बंदे के पास एक अपना पूरे का पूरा राइट है किसी भी खाने के बारे में बात करने के लिए और उसके बारे में रिव्यूज देने के लिए। तो मेरे साथ रहिए, मैं हूं आपका अपने शेफ आमिर, आपको लेके चलूंगा खानों की इस दुनिया में, उन स्टोरीज में, उन कहानियों में जो कि आपसे अब तक छुपी रहे। स्टे विद मी, सब्सक्राइब मी, शेयर मी, आई एम योर शेफ आमिर। अभी आमिर आपको बोलेगा कि इससे अच्छे कबाब आपको तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, और ये खा के कहेगा अभी आंखें बंद, हेवनली गुड। बोल बोल भी, या सी हेवनली गुड, यस वी नो इट्स हेवनली गुड। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार, बहुत ही आला कबाब्स हैं। पीछे जोगी हमारा बहुत ही शानदार शेफ है, वो इनको बना रहा है, और लुक एट द कलर, लुक एट द कलर ऑफ द ब्यूटिफुल कबाब्स, द गोल्डन ब्राउन, आपकी आंखों के रास्ते आपके पेट में, आपके दिल में उतर रहे हैं। डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ कबाब्स यहाँ पे रेडी हैं, हंड्रेड्स ऑफ कबाब अभी बनने बाकी हैं, बहुत सा काम बाकी है जो अब आपके साथ शेयर करना है। यहाँ से सीधा मैं आपको लेके चलूंगा स्टार्ट पे, द बिगनिंग, जहाँ पे भी आप मसाले में आपको बताऊंगा कि जो कबाबों में जाएंगे, और वहाँ से इनकी मेकिंग शुरू होगी, और फिर साथ साथ आप इसको देखते चलेंगे। तो चले मेरे साथ इसकी रेसिपी पे कि इस कीमे में डला क्या है। अगर आप देखेंगे तो इसमें जीरा जाएगा, नमक जाएगा, लाल मिर्च जाएगी, हल्दी जाएगी, कश्मीरी चिली जाएगी, काली मिर्च जाएगी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, पेपरिका और सीख कबाब मसाला, और इसके साथ इसमें जाएगा पिसा हुआ क्रश ऑनियन और ग्रीन चिली। जी तो शुरू करते हैं। लैम का कीमा तैयार है, मटन का कीमा आप इसको बोल लें, लैम का कीमा आप इसको बोल लें। तो पहला बैच जो कि हम 30 किलो का बनाएंगे, इसमें लैम का कीमा चला गया। ये हमारी वो बहुत बड़ी मिक्सिंग मशीन है जिसमें कि हम अपना सैकड़ों किलो कीमा और इसी तरह से बाकी अपना केटरिंग से रेलेवेंट जो है सामान है वो मिक्स करते हैं। और ये है हमारा वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि हम किसी को नहीं बताते, नो वन नोज एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट द फ्यू पीपल। ये हमारा वो मिक्स मसाला है हमारा सीख कबाब के लिए, विच इज़ द सीक्रेट रेसिपी जो कि हमने डाल ली है। अब इसके साथ साथ जो बाकी मसाले हैं वो वही बेसिक मसाले हैं जो कि मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, ज़ीरा है, सूखा धनिया है, ग्रीन चिली है, रेड चिली है, ज़ीरा पाउडर है, नमक है, काली मिर्च है, पेपरिका पाउडर है,
जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, काली मिर्च है, ये वो सारे बेसिक स्पाइसेस हैं। बेसिकली सारा फ्लेवर जो निकलता है वो इनका बैलेंस है। जिसको तो इसके बैलेंस की समझ आ गई उसके लिए तो इट्स नथिंग, पीस ऑफ अ केक है। और जिसको इसकी समझ नहीं आई उसके लिए तो ये बहुत ही लंबी चौड़ी दास्तान है। उसके लिए तो 5 किलो मिक्स करना भी बहुत मुश्किल है, कहाँ पे 70-80 किलो। बिलीव मी कि जब मैं ये कीमा मिक्स करता हूँ, जो कि मुझे हज़ारों साल हो गए इसको मिक्स करते हुए, मुझे इसको कभी ट्राई भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़ुबानी अजबर हो चुकी हैं। ये भी मैंने इसमें थोड़ा जिंजर और थोड़ा गार्लिक ऐड किया। बेसिकली इसके अंदर विनेगर है जो कि इसको, इसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है और इसको एक थोड़ा सा किक भी देता है। तो इसके लिए ये थोड़ा सा हम विनेगर मिला हुआ जिंजर गार्लिक इसके अंदर थोड़ा सा शेयर करते हैं 30 किलो कीमे के साथ, कि वो इसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर देता है और स्पेशली इसके टेक्स्चर को भी मेनटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये बाकी सारे मसाले मैंने डाल दिए, इसके सीक्रेट मसाले ऑलरेडी डल चुके हैं। ये क्रश ऑनियन चला गया, ये ऑनियन जिसका हमने बड़ी अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया वो इसमें ऐड करेंगे, जो कि इन कबाबों को सॉफ्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसको एक टिपिकल कबाब की स्मेल और एक टेक्चर जो कि पिसे हुए अनियन का है वो मिलेगा। ये साथ में हमारी ग्रीन चिली है, इसको ऐड किया है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा ऐड करो ग्रीन चिली तो उसका कलर भी थोड़ा सा फेंट हो जाता है, थोड़ा लाइटर साइड पे नहीं रहता। इसके साथ ग्रीन कोरिएंडर ऑफ कोर्स, जो कि पार्ट ऑफ कबाब है, इसके बगैर तो कबाब वैसे ही अधूरे हैं, जैसे हीर के बगैर रांझा अधूरा, रांझे के बगैर हीर, इसी तरह से कबाब भी अपनी इस हीर के बगैर अधूरे हैं। तो धनिया इसमें डलेगा ही डलेगा, इसमें थोड़े से अंडे भी डालेंगे। एग जो कि इस टर्म को अच्छी तरह जानते हैं, इसको बाइंड करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे और इसके साथ साथ जब कबाब सीख पे पकेगा तो ये थोड़ा फूलेगा और सॉफ्टनेस भी इसके साथ बहुत आएगी। इन केस कि आपको ये कीमा लंबा चलाना है तो ज़्यादा इसमें ऐड हो जाएंगे, अदरवाइज बस थोड़े से एग्स। अच्छा, ये सारा जितना भी इसके इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे इसके नीचे डाल दिए हैं 10 किलो कीमे के साथ, बाकी कीमा इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब इसको मिक्स होना होगा तो ये सारे इंग्रेडिएंट जो इसके दरमियान में है वो नाइसली अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, ना कि सारा कुछ या तो ऊपर पड़ा हुआ है या तो नीचे पड़ा हुआ है। इनफैक्ट इस मशीन के ज़रिए मिक्स तो हो जाएगा लेकिन फिर उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, और अगर इसको हम बहुत ज़्यादा रोटेट करेंगे, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग करेंगे तो इस सीख कबाब के कीमे का टेक्स्चर बहुत ही हार्ड और कबीदा शेप में आ जाएगा, ना कि कबाब शेप में। ये हम अपना तीसरा बैग भी इसके साथ मिक्स कर रहे हैं। बहुत ही शानदार कीमा हमारे टॉप एंड, आप हमें आप बोल सकते हो कि हमारे सप्लायर्स हैं। नॉर्मली लोगों के लिए और नॉर्मल टेकअवेज और रेस्टोरेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि इन सप्लायर से ये कीमा और ये मीट ले सकें, क्योंकि दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू द अदर, क्योंकि लेवल ऑफ कुकिंग इस जगह पे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ इस कदर हाई है, स्टैंडर्ड इस कदर हाई सेट हैं कि कोई भी माठा इंग्रेडिएंट्स यूज़ ही नहीं हम कर सकते। तो आई एम श्योर कि ये सप्लायर किसी भी जगह पे एवरेज टेक अवे और रेस्टोरेंट पीपल को ना तो ये दे सकते हैं और ना ही वो इनसे ले सकते हैं। द ओनली शेरिडन इज़ द प्लेस जो कि हाई एंड प्रोडक्ट जो है वो बाय करते हैं और हाई एंड ही प्रोडक्ट जो है वो कि अपने कस्टमर्स को हम सर्व करते हैं। तो नाउ अभी इसका टाइम है इसके चक्कर निकालने का। घूम वे चक्या घूम तेरी कत्तन वाली जीवे, ये दुनिया का चक्कर है और हम इंसान बिल्कुल इस पैन में और इस दुनिया में इसी तरह से घूम रहे हैं जिस तरह से ये मिक्सर इस कीमे को घुमा रहा है, और इसमें हर चीज़ खुशी गमी मीठा नमकीन हर जायका इसके अंदर मिक्स होता जा रहा है। एग्जैक्टली इसी तरह से हमारी ज़िंदगियाँ हैं, एग्जैक्टली इसी तरह से हम खुद हैं, हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल इसी तरह से कैद है। हम सोच रहे हैं कि पता नहीं दुनिया कितनी बड़ी है, बट इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है जिसके अंदर ये कीमा मिक्स हो रहा है और जिसकी इसी तरह से इस दुनिया के अंदर हम घूम रहे हैं और हमें कोई पता नहीं चलता दाएं बाएं ऊपर नीचे, और बस ज़िंदगी है कि घूमे चली जा रही है, चले चले जा रही है और इसी तरह से मिक्स होते चले जा रहे हैं खुशी और गम हमारी ज़िंदगी में, जिस तरह से इस कीमे के अंदर ये सारे मसाले मिक्स हो रहे हैं और इसी तरह से इसके खूबसूरत अहतमाम होगा। अल्लाह ना करे कि हमारा अहतमाम कबाबों की तरह हो, आग के ऊपर हमें भी भूना जाए। अल्लाह ताला हमें इससे दूर रखे, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो अभी आमिर साहब कुछ बोलने लगे। अच्छा जी, आमिर साहब बहुत ही इस वक्त जो है ना वो हार्ड से मूड में है।
ले जी कीमा निकलने का टाइम आ गया। मटन कीमा मिक्स हो गया और ये सीख कबाब का मिक्सचर है। 30 किलो को हमने मिक्स किया और जी तो ये दो पैन 30 किलो मटन सीख कबाब के रेडी हैं। इसी तरह से हम एक और बैच बनाएंगे 30 किलो का, जिस तरह ऑल टुगेदर तकरीबन 60-70 किलो मटन सीख कबाब का हम कीमा जो है वो रेडी कर लेंगे। बोलो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टेक्सचर और वेरी वेरी बैलेंस्ड स्पाइस्ड। एक और लैम डाल दे। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मिक्सिंग द कीमा। तो आगे चलते हैं, अब आपको नेक्स्ट मिलता हूँ जहाँ पे हम ये कबाब बना रहे होंगे और लगा रहे होंगे। लेट्स सी। जी तो शेफ आमिर हाजिर खिदमत है कबाब मेकिंग। तो शेफ आमिर कबाब लगा रहे हैं जी आपके सामने। बहुत दिनों से आपको इसका इंतजार था कि ये काम करता क्या है। तो ये देखें जी कबाब लगाने वाली मशीनें जो है वो रेडी हैं। मेरे सामने मेरा छोटा भाई खड़ा है जाहिद शेफ। ही इज सच अ नाइस नाइस गाय, इज अ ब्यूटीफुल ब्रदर ऑफ माइन एंड ही इज माई को शेफ हियर एज वेल एंड वी बीन वर्किंग टुगेदर फॉर लास्ट 5-6 ईयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह ये कबाब लगाने की मशीन है ये बंदा। मोस्ट ऑफ द वर्क ही डन बाय हिज 6 हैंड्स। अगर आप देखेंगे तो मैं एक कबाब लगा रहा हूँ और वो 3 लगा देता है। ही इज वेरी फास्ट, अमेजिंग अमेजिंग स्किल्स हैं इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सामने हमारा बहुत ही प्यारा भाई जो कि ही इज फ्रॉम इंडिया एंड ही इज जस्ट मेकिंग द कबाब ऑन द मशीन। हम दोनों कबाब लगा रहे हैं, सीखों पे चढ़ा रहे हैं और चढ़ा चढ़ा के उनको दे रहे हैं और वो आगे मशीन के ऊपर उनको चारकोल के ग्रिल के ऊपर उसको पका रहा है। वो एक ऑटोमेटिक रोटेटिंग मशीन है जिसके ऊपर एक साइड से ये कबाब डालते जाते हैं और वो उसी रोटेशन में कन्वेयर बेल्ट है जिसके ऊपर वो चलते हुए एंड तक जाते हैं और कबाब रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे हम दोनों, मैं और जाहिद, तकरीबन ये 100 किलो के करीब कीमा है जो कि हम लगा लेंगे। और यू नो हमने इसको 100 किलो कीमे को नियरली 3.5 आवर्स, नियरली 4 घंटे में हमने इसको फिनिश कर दिया। 4 घंटे में 100 किलो सीख कबाब। मैं काफ़ी स्लो लगा रहा हूँ क्योंकि इनफैक्ट इस वक्त मैं ज़रा उसके साथ बातें कर रहा हूँ। काफ़ी महीनों के बाद वापस आया हूँ मैं यहाँ पे, तो थोड़ा स्लो हूँ मैं उसकी निस्बत। नॉर्मली अगर हम एक पैन को दोनों शुरू हों तो उसका 65% जाहिद लगा देता है और 35% मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि ही इज़ टू फास्ट। वो आप अगर आप देखेंगे तो इतना लंबा कबाब लगाने में जाहिद सिर्फ 2 हाथ लगाता है। द फर्स्ट टाइम ही पुट ऑल द कीमा ऑन द सीख एंड देन द सेकेंड हैंड कबाब फिनिश, जबकि मुझे कबाब फिनिश करने के लिए 3 हैंड रिक्वायर होते हैं। अभी मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, समटाइम 4 हाथ भी ले रहा हूँ। लेकिन अगर आप जाहिद को देखेंगे तो 1 और ये दूसरा हाथ और कबाब फिनिश। लुक एट द स्किल, दीज आर द अमेजिंग स्किल्स। हम इसको इतना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, देखें हम आराम से गप्पे लगाते बात करते ना कोई ध्यान दे रहे हैं और आराम से कबाब लगते चले जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे सालों की मेहनत है। बिलीव मी कि सालों का हार्ड वर्क है, फिर जाके आप इस काबिल होते हो कि आप इतने ज़्यादा क्वांटिटी में कबाब और इतने लंबे कबाब जो हैं वो आप बिल्कुल फ्लॉलेस तरीके से लगा लो। अगर देखेंगे तो ये कबाब मैंने 2 हाथों में लगा लिया, तो ये एक हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल है। हमें एज अ शेफ तकरीबन हर काम जो है वो इसी नफासत से और इसी सफाई से करना पड़ता है, और स्पेशली शेरिडन जहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं वहाँ पे तो सफाई निस्वमान नहीं है, वहाँ पे सफाई फुल ही मान है। अगर आप एक नज़र किचन को देखेंगे तो इस क्लीन नीट क्रिस्टल क्लियर चमक रहा है, और हर तरफ आप देखेंगे तो हर कोई बंदा प्रॉपर हाइजीनिकली बिल्कुल सुपर फिट है और फिर ये काम हो रहा है और उसी हाइजीनिकली अंदाज में हम ये कबाब लगा रहे हैं। तो मेरी स्पीड जो है थोड़ी बढ़ते हुए लाइक 125 किलोमीटर फी घंटा से बढ़ते हुए इस वक्त आमिर महबूब तकरीबन 135 किलोमीटर फी घंटा, लेकिन मेरे सामने सीख कबाबों का शुएब अख्तर खड़ा है जाहिद। नो वन कैन बीट हिम इन मैनचेस्टर, आई बेट यू एनी वन कैन कम स्टैंड विद हिम, ही विल बीट हिम लाइक दैट। सच अ नाइस स्पीडी गाय।
तो ये हैं वो कबाब। ये हैं वो कबाब जो मैं बना रहा हूँ और आपको अपने ही कबाब को खा के रिव्यू देते हैं। वाह, हेवनली गुड। ये आपके कबाब, आपके चैनल के कबाब। तो स्टे विद मी, योर शेफ आमिर।